तो चलिए आज बना लेते हैं ब्रोकली से कुछ। बहुत दिन से सोच रही थी, तो हमने ली है ब्रोकली। तो इसके हम फ्लोरेट्स अलग कर लेंगे, डंठल को बिल्कुल निकाल देंगे। ये देखिए, इसके बस फ्लोरेट चाहिए, बाकी सारा डंठल इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी आज हम बना रहे हैं एक स्नैक, जो कि बहुत हेल्दी और यमी भी होता है। मुझे पर्सनली बहुत टेस्टी लगता है। तो हम OTG यूज़ करेंगे, तो आप चाहें तो इसको गैस पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन पे भी रोस्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारे डिश है ब्रोकली और मलाई का रोस्ट, बहुत ही यमी रेसिपी है। तो ये देखिए फ्लोरेट्स हो रहे हैं अलग हमारे। तो एक साइड पे ना मैंने पानी उबलना रख दिया, इसको या तो ब्लांच कर लीजिए या 10 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। तो नमक ऐड किया पानी में थोड़ा सा और सारी ब्रोकली ऐड कर दी। तो इधर मैं लहसुन छील रही हूँ, मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं बहुत ही यमी से तरीके से, बिना मायनीज वगैरह ऐड करे हम बनाएंगे ब्रोकली। तो ये देखिए तंदूरी मलाई ब्रोकली बना रहे हैं हम। तो ये मैंने अब ब्रोकली कर ली है, जो 10 मिनट के बाद या तो ब्लांच कर लीजिए यानी उबलते पानी में भिगो के रख दीजिए, या फिर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए, कोई मैटर नहीं है, बहुत टेस्टी लगती है। इसको अच्छे से पोंछ लेना, क्योंकि मैरिनेशन है ना, वो पानी नहीं होना चाहिए मैरिनेशन में, सूखी सूखी सी बिल्कुल होनी चाहिए, तो ही ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे से रोली पोली सा करके पोंछ लिया है। अब निकाल लिया इसको एक बर्तन में। मैंने ना लहसुन और अदरक को रफली खुद ही हाथ से ही सिलबट्टे पे थोड़ा सा कूट लिया था। तो 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, घर के ही दूध की मलाई है बिल्कुल, तो कोई बाहर का मटेरियल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। साथ में मैंने 1 चम्मच डाला है दही का, 1 से 2 चम्मच, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो रफली सा चॉप है, आप पूरा पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। अब नमक डाला है, देखिए बहुत मसाले भी ऐड नहीं कर रहे, बड़ी लाइट सी बहुत टेस्टी बनी थी, और थोड़ा काली मिर्च। तो बहुत बस इसको मिक्स देंगे अच्छा सा। तो ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी सी लुक दे रही है ना। तो अभी अभी रुकिए, अभी देखिए कितना अच्छा, आप समझ रहे हैं ना, क्रीमी वाली ब्रोकली है, जो जैसे सूप भी बनता है तो क्रीम के साथ ना इसका खास रिश्ता है ब्रोकली का। तो ये देखिए मैंने करी है बेकिंग ट्रे ग्रीस, और इसमें सेट कर देंगे उधर 10 मिनट्स के लिए 230 पे। मैंने जो माइक्रोवेव प्री हीट कर लिया है, हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ इसके ऊपर ताकि चिपके नहीं, वैसे तो मलाई है बट थोड़ा सा ग्रीस कर दिया मैंने ऊपर से, क्योंकि मैंने जो हमने बनाया था मैरिनेशन उसमें नहीं डाला था। तो ये लीजिए मैंने करी है इसको 15 मिनट बेक, 15 से 20 मिनट। तो मज़ेदार सी ब्रोकली रेडी है, मुंह में पानी आ रहा है, और कितनी मज़ेदार सी इसमें से आ रही थी खुशबू। और कहीं शादी पे जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, ऐसे ही स्नैक होते हैं हेल्दी वाले, तो बहुत बनाइए खाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो लगी है अच्छी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए काला नमक डाल दिया मैंने, नींबू रख दिया साथ में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।